कितनी सुंदर है। पे जितना गुस्सा करता है ना, उससे ज्यादा सच्चा प्यार भी करता है। क्या बात है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं वापस आ गई बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ वो है पठान टिकटॉक वीडियो। और यार, पठानों की टिकटॉक वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो पठान होता है वो दिल के बहुत ज़्यादा साफ होता है, बहुत लॉयल होता है वो। और मतलब कि अगर वो आपके साथ है तो वो मरते दम तक आपके साथ होंगे। और अगर उन्होंने बोल दिया ना कि उन्होंने इवन दुश्मनी भी अगर वो बोल देना कि हम आपके दुश्मन हैं, तो मरते दम तक दुश्मनी निभाएंगे। तो पठानों का नेचर ऐसा सा ही होता है। तो मैं को अगर मैं बताऊं तो मुझे पठान बहुत अच्छे लगता है। बाकी देखते हैं कि ये वाली टिकटॉक कंपाइलेशन कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, मैं भी देखती हूं। लेट्स स्टार्ट। पठान जब पैदा होते हैं तो अजान से पहले हमारे कानों में गोलियों की आवाज गूंजती है। ये डर और बला की बातें किसी और के सामने करना। पठानों में खैर शादी जल्दी होती है। और इसके पीछे क्या राज है जावेद भाई, पठानों की शादी जल्दी क्यों कर देते हैं? उनको पता है कि ये बंदा जो है ये खराब हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इस बंदे को जल्दी घेर लें। नहीं, पठान तो इतने भी जालिम नहीं होते ना। पठान ये नहीं है, पठान से पंगा इज नॉट चंगा। और जिनको हम पठान पसंद है वो हाथ ऊंचा करे, और जिनको नहीं पसंद वो मेरा पुत्र वो अपना मायार ऊंचा करे। बाबा सही उरले वाले पठानों का, माना कि अंग्रेजी नहीं आती पर अंग्रेजों को सबक पठानों ने ही दिया है। क्या बात है जी। ओ पठान, हम पठान है, कितनी सुंदर है। जितना गुस्सा करता है ना, उससे ज्यादा सच्चा प्यार भी करता है। क्या बात है। बेटा, हम बलोच और पठानों को कफन कबूल है, लेकिन किसी की गुलामी नहीं। बस मैंने बोला पर इनकी आंखों से ये क्या लाइट निकल रही थी, वो बहुत बनी था। अपना फर्ज मानता है, तुमको जो एहसान लगता है पठान को वो मोमिन का ईमान लगता है। सारा खान जो नाम के साथ लगता है, इट्स बाय कास्ट और बाय चॉइस। सारा जफरुल्ला खान। सारा इसका मतलब है आप खान? मेरा पूरा नाम है। हाँ, खान कौन से वाले खान है? हम यूसुफ जई मेरे प्योर वाले पठान है। पठान वीकनेस, पठान इज अ ब्रेव मैन, यू कांट डिफीट देम इन वॉर, देयर वीकनेस इज लव। आर द पैशनेट विद द प्रीटीएस्ट पीपल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल कल्चर। सीरियसली, कितने प्रिटी लोग, और देख लो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कितनी सुंदर है। इवन बच्चे देखो, वाओ, सही में भाई पठान बहुत प्रिटी होता है। अब पठान और बलोचों से धोखे की उम्मीद मत रखना। वाह 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 वाह। हम पठान और बलोचों से धोखे की उम्मीद ना रखना, और मेरी जान धोखा दे के फिर बचने की उम्मीद मत रखना। क्या बात है। लोगों को खानदानी प्रॉपर्टियां मिलती है, और हम पख्तूनों को खानदानी गुस्सा मिला है। ओ भाई, खराब हम पठाने, तुम हमारा जाने हम तुम्हारा जाने। सीरियसली, पठान एक सोया हुआ शेर है, मत छेड़ो ऐसे, जिस दिन जाग गया चीर फाड़ डालेगा। वाह। पठान बेवकूफ होते हैं, एक ऐसी कौम जिनमें से एक ने एटम बम बना दिया भाई, पूरी दुनिया में जिसकी वजह से कंगले बदमाश बने फिर रहे हैं हम। कम ऑन, वी आर न्यूक्लियर। उसको हमको ये कह रहा है, ये बेवकूफ होते हैं ये आदमी, जो जगह जगह जलसों में जाके लोगों को बता रहे होते ना, हम 28 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। और चिड़ी मार छरा नहीं बना सकते थे आप मियां साहब? चिड़ी मार छरा अगले ने एटम बम बना दिया, वो लगता है आपको बेवकूफ होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद कौम है, वाइट सूबा है, कैसी कौम वहां बसती है जो कभी भी
किसी ऐसी जमात को दोबारा मुंतखब नहीं करते जो उनसे तरक्की के वादे करके 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देते। तहरीक इंसाफ वो पहली जमात है जिसको तीसरी मरतबा मुंतखब करने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, ये पढ़े लिखे बाशऊर गैरतमंद को पाकिस्तान पापा सही। और ये गलत फहमी भूल जाओ कि पठान कुछ नहीं, पठान द मोस्ट डेंजरस कास्ट ऑफ पाकिस्तान। तुम्हें घर से उठाने में मिनट नहीं लगाएंगे। संडे सीरियसली ये छोटी बच्ची देखा कितनी क्यूट है। उन्होंने क्या है, गलती की गुंजाइश नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं। ये 1971 का पाकिस्तान नहीं है, ये 2024 का पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है जो अपना हक चीनना जानते हैं। अब हर मुकाबला करेंगे पाकिस्तान और इमरान खान पर। पाकिस्तान में एटम बम किसने बनाया था? पाकिस्तान को वर्ल्ड कप किसने जितवाया था? इमरान खान। और 2020 का वर्ल्ड कप किसने जितवाया था? यूनुस खान। तो यार फिर भी आप मजाक ही उड़ा रहे हो हम पठानों का। यार गैरत की पहचान है, हम दिल के मेहरबान है, हम दिल वाले पठान है, हम मत लेना बंगा। आज एक पठान ने मेहमान की जान बचाती हुई अपनी ही जिंदगी दांव पे लगा दी, अपनी ही जिंदगी का खात्मा कर दिया। जी हाँ जनाब, ये नीचे आपको शख्स नजर आ रहा है, इसका नाम है फारूक और इसका ताल्लुक पेशावर से है। ये वाकया कल पेशावर में पेश आया है। अफ्तारी से 10 मिनट पहले फारूक के गोदाम में एक बंदा दाखिल हो जाता है और वो बंदा फारूक से अपील करता है कि मेरे पीछे कुछ बंदे लगे हुए हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, क्या आप मेरी जिंदगी बचा सकते हैं? उसके बाद फारूक ने इसे कहा कि आप बैठ जाओ, कौन है वो लोग जो आपको मारना चाहते हैं? उसके बाद यानी कुछ ही मिनट के बाद फारूक के गोदाम पे 20 से 25 लोग पहुंच जाते हैं जो कि बंदूकों से लैस थे और वो फारूक से कहते हैं कि आपके गोदाम में एक बंदा दाखिल हुआ है, आप उसको हमारे हवाले कर दो, हमने उसे मारना है। उसके बाद फारूक ने कहा कि ये मेरा मेहमान है अब और इसको मैं कभी भी आपके हवाले नहीं कर सकता और ये पश्तों की रिवायात के खिलाफ है कि मैं इस मेहमान को आपके हवाले कर दूं। उसके बाद ये सामने वाले जो लोग थे जो बंदूकों से लैस थे वो फारूक को बार बार यही एक बात बोल रहे थे कि हमारा निशाना है, हमें अपना निशाना हवाला कर दो ताकि हम इसे खत्म कर दें। उसके बाद फारूक ने साफ इनकार कर दिया कि आपने जो करना है या आप जो कर सकते हैं आप करें, लेकिन ये इस वक्त मेरा मेहमान है और मैं अपने मेहमान को कभी भी आपके हवाले नहीं कर सकता और ये हमारे पश्तों की खिलाफ वर्जी है कि मैं आपको इसके हवाले कर दूं। उसके बाद जड़ पे हुई तलख कलामी, हुई तलख कलामी में बीच में फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में जो है फारूक जो कि इस मेहमान की कंडेम कर रहा था, फारूक नामी शख्स ये जख्मी हो जाता है और उसके बाद फारूक ने भी फायरिंग खोल दी और सामने वाले 25 बंदों में से फारूक ने 3 बंदों को जख्मी कर दिया। फायरिंग शुरू हो गई, फारूक के पीछे और लोग पीछे आ गए। हालांकि फायरिंग जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो गई है और उसके बीच जड़ पे जुती हो जा रही थी। उसके बाद फारूक खुद भी जख्मी था और जख्मी हालात में उसने वो 25 लोगों में से 3 बंदों को गिरा दिया, यानी 3 बंदों को उसने मार दिया। उसके बाद वो 25 जो लोग थे वो भाग गए, वहां से निकल गए और उसके बाद फारूक को जैसे ही हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया तो वो वहां पे ही जख्मियों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चल बसा। हालांकि वो इस दुनिया बहुत ही कमाल की वीडियो थी यार, और मतलब इससे हम लोगों को इस वीडियो से पता लगता है कि जो पठान है भाई, वो जो कम्युनिटी है वो बहुत ही सुंदर दिखने में, और अगर वो आपका साथ देगी तो वो एंड तक साथ देगी। जो लास्ट क्लिप थी उसमें जैसे जो बंदा था है ना, वो पख्तून था और वो मतलब कि उस आदमी से मिला तक नहीं था, स्टिल वो उसके मरते दम तक उसने साथ निभाया और उसके लिए मर गया, मतलब वो जानता तक नहीं था, सिर्फ उसने ज़ुबान दी थी कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी भाई। आज के टाइम ऐसा कोई नहीं करता है किसी के लिए, और ये तो हम लोगों को पता ही है कि जो पठान कम्युनिटी है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, इवन चाहे वो बच्चे हो, इतने सुंदर सुंदर थे, उनकी आंखें ब्लू थी है ना। और मेरे को पठानी कल्चर बहुत अच्छा लगता है, उनकी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट बहुत ही कमाल का होता है यार, और काफ़ी डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी ये भी, और अगर आपके पास और पश्तूनों की वीडियो है तो आप प्लीज़ मेरे को मेरी नीचे डिस्क्लेमर में दी गई मेल पर भेज सकते हो, मैं ज़रूर उस पर रिएक्ट करूँगी। तो वैसे
गाइज यही था मेरा रिएक्शन. आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो. तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय.